नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर नेवर एंडिंग टॉक्स में एक और नई कहानी के साथ। जम्मू के त्रिकुट पर्वत पर एक भव्य गुफा है। गुफा में तीन पिंडियां बनी हुई है, देवी सरस्वती, लक्ष्मी और काली की। लेकिन माता वैष्णो की यहाँ कोई पिंडी नहीं है। माता वैष्णो यहाँ अदृश्य रूप में मौजूद है। वह किसका इंतजार कर रही है और क्यों वह कुंवारी है? इस संदर्भ में एक कथा है कि भगवान विष्णु के अंश से एक कन्या का जन्म हुआ और जब वह 9 वर्ष की हुई तब उनको पता चला कि विष्णु जी ने राम के रूप में अवतार लिया है। तब देवी त्रिकुटा ने राम को पति के रूप में पाने के लिए तपस्या शुरू कर दी। सीता हरण के बाद जब भगवान राम सीता को ढूंढने निकले तब उनकी मुलाकात देवी त्रिकुटा से हुई और तभी त्रिकुटा ने राम को पति के रूप में पाने की इच्छा प्रकट की। तब श्री राम ने कहा, मेरा विवाह सीता से हो चुका है पर मैं लंका से लौटते वक्त आपके पास आऊंगा। अगर आपने मुझे पहचान लिया तो मैं आपसे विवाह कर लूंगा। श्री राम अपने वचन के अनुसार त्रिकुटा के पास आए लेकिन श्री राम की माया के कारण देवी त्रिकुटा उन्हें पहचान न सकी, इसलिए उस गुफा में देवी त्रिकुटा श्री राम की प्रतीक्षा में अभी भी कुंवारी है। तो दोस्तों, अगर आप भी माता वैष्णो के भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें।